पिछले 4 राउंड में हुई गलतियों को आपको दोहराना नहीं है। आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। मॉप अप राउंड के लिए चॉइस फिलिंग कैसे करनी है इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल एग्री अपडेट्स एंड द सच प्रभात। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखो, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको पहले 4 राउंड में कॉलेज नहीं मिला था, और आप सभी को पता है आईसीआर कल की डेट में अपनी वैकेंट सीट की लिस्ट रिलीज कर दी है, और ऑन द बेसिस ऑफ लिस्ट आप सभी को अपने चॉइस फिलिंग के प्रोसेस को कंप्लीट करना है। आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट, डिटेल से बात करूंगा चॉइस फिलिंग वाइजली आपको कैसे प्रीफर करना है, ताकि आपसे इन फ्यूचर कोई मिस्टेक ना हो और आपको कॉलेज मिल जाए। मेक श्योर अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हो तो आप सभी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहला काम है आप सभी को वैकेंट सीट की लिस्ट देखना। जो लिस्ट आप सभी को मैंने बता दिया था कल की वीडियो में कि टोटल 1100 से ज्यादा सीटें वैकेंट है, और उन्हीं वैकेंट सीटों पर आप सभी का एडमिशन होगा। सिंपल सा प्रोसेस है कि वेबसाइट के थ्रू आप सभी को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपको एप्लीकेंट लॉगिन पे जाके अपना यूजर आईडी पासवर्ड, जो लॉगिन आईडी पासवर्ड है, उसके थ्रू लॉगिन करना है। जो बच्चे एलिजिबल होंगे मॉपअप के लिए उनको वहां पे ऐसा ऑप्शन दिख रहा होगा। जो बच्चे एलिजिबल नहीं है उनको कोर्स प्रेफरेंस का ऑप्शन नहीं दिखेगा। उनके डैशबोर्ड पे केवल 4 ऑप्शन आएगा, बट जो एलिजिबल हैं उनके पे 5 ऑप्शन आएगा। पांचवा ऑप्शन हमारा एक्स्ट्रा है कोर्स प्रेफरेंस का। कोर्स प्रेफरेंस के ऑर्डर पे जाके आपको सबसे पहले ये इंस्ट्रक्शन पढ़ना है। सिंपल सी बात है कि मॉपअप राउंड में अपग्रेडेशन का कोई प्रोसेस नहीं होता, तो यहाँ पे आपको एक ही बार मौका मिल रहा है, और इसी एक मौके पे आप सभी को कॉलेज लेना है। तो बहुत ही श्योरिटी के साथ आप ये ध्यान दीजिएगा कि अगर आपकी रैंक ज्यादा है तो किस बेसिस पे चॉइस फिलिंग करना है। प्रोसेस वही है, पिछले 4 राउंड में आप लोगों ने आई थिंक प्रोसेस किया होगा। दूसरी बात ये कि जो बच्चे नए हैं अभी यहाँ पे, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, वो फिर से रजिस्ट्रेशन करेंगे। यानी कि ऐसे बच्चे जो कि फर्दर, जो हमारा पहले 4 राउंड हुआ था, अगर उन 4 राउंड में आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, सबसे पहला काम है आपको रजिस्ट्रेशन करना। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि जो बच्चों को अभी प्रॉब्लम आ रही वो हमारी पेड काउंसलिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। पेड काउंसलिंग का डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फिर साइड में देखने को मिल जाएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दूं कि जिन बच्चों का डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हुआ था वो अभी मॉपअप के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आप लोग का कोई क्वेरी होगा तो आप लोग आईसीआर की हेल्पलाइन पे क्वेश्चन कर सकते हो कि उन्होंने मेल किया है बहुत सारे बच्चों को, जिन बच्चों का डॉक्यूमेंट रिजेक्ट होगा उनको मौका देंगे, बट ऐसा पोर्टल पे भी बिल्कुल भी नहीं है। सेकंड चीज, वो बच्चे जिनको ऑलरेडी कॉलेज मिल चुका है उनको भी चॉइस फिलिंग का ऑप्शन शो नहीं करेगा। ये केवल उनके लिए है जिनको अभी तक कॉलेज नहीं मिली थी, या जो पहले रजिस्ट्रेशन करके पेमेंट नहीं कर पाए थे। ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन शो करेगा। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, कोर्स प्रेफरेंस के लिए आप ये इंस्ट्रक्शन जरूर एक बार रीड कर लेना। यहाँ पे आप सभी को ऐड का ऑप्शन आएगा, जैसा कि आपने पहले किया था सेम वही प्रोसेस फिर से फॉलो करना है। इसके पहले मैं फिर से बताऊं कि आप लोग एक बार वैकेंट सीट मैट्रिक्स एक बार फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आप सभी को कॉलेज फिर से अलॉट किया जाएगा। यहाँ पे आपको कोर्स चूज करना है, यूजी पीजी। अगर आप यूजी से हो देन यूजी, देन पीजी तो पीजी, ठीक है। आप जिस भी कोर्स के लिए एलिजिबल रहोगे वो सब कुछ यहाँ पे शो करेगा। मैं फिर से बता दूं कि जो पीसीएम के बच्चे हैं वो फॉरेस्ट्री और फिशरीज फिल नहीं करेंगे, और जो पीसीबी के बच्चे हैं वो किसी भी टेक्नोलॉजी कोर्स को फिल नहीं करेंगे एक्सेप्ट बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। इतनी बात समझना, क्योंकि एक ये भी रीजन था जिससे बच्चों के डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हुए थे। कोई भी पीसीबी का बच्चा बीटेक, एग्री, डेयरी, फूड टेक, इन सारे कोर्सेज को फिल नहीं करेगा, और कोई भी एबीसी ग्रुप का बच्चा कुछ कॉलेज में एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, देखो वैसे बहुत सारे कॉलेज हैं जो एबीसी वाले बच्चों को बीएससी एजी नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर एक बार डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाता है तो वहां पे आप आगे एलिजिबल नहीं रहते हो। तो पूरे चीजों को अच्छे से एनालिसिस करके आप अपनी चॉइस को फिल कीजिएगा। मैं फिर से बता रहा हूं, कोर्स कॉम्बिनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। कौन सा कॉलेज एबीसी ग्रुप को नहीं ले रहा है इसका ध्यान रखना, कौन सा कॉलेज पीसीएम ग्रुप को नहीं ले रहा है एग्रीकल्चर के लिए, या पीसीबी ग्रुप को नहीं ले रहा है, इन सब चीजों को ध्यान में रख के ही हमें अपने कोर्स के प्रेफरेंस को रीड करना है। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपको चीज समझ नहीं आ रही तो आप हमारी मॉपअप के लिए पेड काउंसलिंग के लिए जा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मेंशन है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले बता दो कि आपको यहाँ पर कोर्स चूज कर लेना है। लाइक मैं यहाँ पे एग्रीकल्चर चूज करके यूनिवर्सिटी चूज कराऊ, जितने भी कॉलेज में सीट वैकेंट है उन सबका नाम यहाँ पे मेंशन है, तो आप अपने स्टेट के रिजर्वेशन अकॉर्डिंग, अपनी कैटेगरी की वैकेंट सीट के अकॉर्डिंग कॉलेजेस को फिल कीजिएगा।
ठीक है। और अपना रैंक भी देख लीजिए, क्योंकि रैंक हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपका रैंक बहुत कम है फिर भी आपको कॉलेज नहीं मिला है, तो आपके पास एक बहुत अच्छा चांस है कि अच्छे से अच्छे कॉलेज में आप जा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको लाइक जो भी कॉलेज चाहिए उसको ऐड करते जाओ, नीचे आप जो भी कॉलेज ऐड करोगे उसका नाम मेंशन होगा, इसके बाद आपको एक एक करके सारे कॉलेजेस को यहाँ पे ऐड करते जाना है। ध्यान देना कि यहाँ पे कोई अपग्रेडेशन का प्रोसेस नहीं होता, तो आप ऊपर नीचे बेस्ट कॉलेज के चक्कर मत पड़ना कि अपग्रेड करके हम बेस्ट कॉलेज ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक राउंड की काउंसलिंग है, दोबारा हमें ऐसा मौका नहीं मिलता है, ठीक है। तो आप इसी प्रकार से अपनी आगे की जो काउंसलिंग होगी इससे प्रोसीड कर लो। बाकी अगर आपको कॉल यहाँ पे इसको ऊपर नीचे करना है तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, आप इससे ऊपर नीचे अपने हिसाब से कर सकते हो अगर आपको करना है तो, ठीक है। तो इन सबको करने के बाद यहाँ पे सेव कर सकते हो। अगर आप सभी को दोबारा चेंज करने का मौका मिल रहा है, जैसे कि हमारी जो चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट है वो 8 दिसंबर है, तो 8 दिसंबर शाम 5 बजे के पहले तक आप लोग अपनी चॉइस को फिर से रीसेट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे कॉलेज हटा देना चाहिए या ऐड कर देना चाहिए कोई भी कॉलेज, तो आप यहाँ पे उसको ऐड या फिर रिमूव कर सकते हो, दोनों ऑप्शन आपके पास रहेगा। यानी कि इस पूरे वेबसाइट पे चॉइस प्रेफरेंस कोर्स प्रेफरेंस के सेक्शन में आप 8 दिसंबर तक किसी भी प्रकार की छेड़खानी ऊपर नीचे कुछ भी कर सकते हो, लेकिन उसके बाद ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना कि आप सेव करने के बाद भी 8 दिसंबर तक इस प्रोसेस को एडिट कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं आपको नेक्स्ट बताने वाला हूं यहां पे कि आपको फाइनल क्या करना है। कुछ नहीं करना है बच्चों, डायरेक्टली इस चीज को सेव करने के बाद अगर आपका पूरा प्रोसेस सेव हो जाता है तो आपको लॉग आउट करके फिर से लॉग इन करना है, ठीक है। लॉग इन करके अपना कोर्स प्रेफरेंस एक बार फिर से चेकआउट करना है। आप ये देखिएगा कि आपने जो कोर्स सेव किया है वो सच में सेव है कि नहीं। अगर 8 तक वो सेव नहीं होता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट 8 के बाद वो अपने आप सेव हो जाना चाहिए। वैसे भी अगर आप सेव करोगे उसको प्रोसीड करोगे तो अपने आप उस चीज को सेव हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस है अपने स्टेट का, रिजर्वेशन कैटेगरी का। अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को फिल कर रहे हो तो वो ध्यान देना, क्योंकि उसमें स्टेट में ओबीसी एससी एसटी को रिजर्वेशन मिलता है, ईडब्ल्यूएस का भी अलग से रहता है। प्लस आप अगर यूपीएस से हो तो यूपीएस की सीट देख लेना, पीएच से हो तो पीएच की सीट देख लेना। अगर आपके कैटेगरी की सीट कम है तो आप ये देखना कि यूआर की कैटेगरी की सीटें कहाँ पे अच्छी खासी वैकेंट है, ठीक है। क्योंकि हमारी जो काउंसलिंग होगी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की, वो हमेशा ओवरऑल रैंक के बेसिस पे ही होती है। यहाँ पे देख पा रहे हो सेरीकल्चर की आई थिंक सारी की सारी सीटें खाली, दो चार को छोड़ के बाकी हर एक कैटेगरी की, हर एक कॉलेज में, लगभग हर एक कोर्स में सीट वैकेंट है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसे फिर से इस वीडियो को रिव्यू करके देख लो, कहीं आपसे कोई मिस्टेक ना हो जाए। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है हमारी प्रेफरेंस का, क्योंकि ये हमारा लास्ट मौका है। और सबसे बड़ी बात कि सीट बहुत ही ज्यादा वैकेंट है। मॉपअप में टोटल 25% से ज्यादा सीट वैकेंट है, यानी 1100 से ज्यादा सीटें वैकेंट हैं। तो अभी भी आपके पास एक लास्ट मौका है हमारी टीम के साथ जुड़ने का। दिए गए व्हाट्सएप नंबर जो कि डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, वहां पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके हमारी पेड काउंसलिंग को ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको नीड है तो। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे हैं, आपकी रैंक अगर ज्यादा है या फिर कम है, आप अच्छा कॉलेज जाना चाहते हो तो आप इस चीज का ध्यान देना। बाकी अगर डॉक्यूमेंट रिजेक्ट होने से बचाना चाहते हो, कॉलेज आपका डॉक्यूमेंट इसलिए ना रिजेक्ट करें क्योंकि आप एबीसी ग्रुप से हो, इस बात का ध्यान रखना। इन सब के लिए आपको क्या करना है, बहुत ही केयरफुली अपने प्रेफरेंस को फिल करना है। थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट, मिलता हूँ आप सभी से नए वीडियो में अपडेट के साथ। अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम को जरूर शेयर करना, और चॉइस फिलिंग करने से पहले एक बार पूरी लिस्ट को अच्छे से एनालिसिस कर लेना और रीड कर लेना। नहीं समझ में आ रहा, आप हमारी वीडियो में बोले गए बातों को ध्यान से सुनना कि मैं किस चीजों को फोकस करके चॉइस प्रेफरेंस करने को बोल रहा हूं, इन सब चीजों का ध्यान देना, ठीक है। बाकी मिलता हूं आप सभी से नए वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट। टेलीग्राम ग्रुप को और हमारे एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा, वहां पे आप सभी को कुछ पुराने चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट मिल जाएगी जो कि ऑलरेडी वहां पर अपलोडेड है आपके रैंक अकॉर्डिंग। बाकी जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं न्यू लिस्ट के लिए वो व्हाट्सएप पर मैसेज कर